हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीतिस किचन मैजिक। आज की मेरी रेसिपी है वेजिटेबल उपमा। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वेजिटेबल से भरपूर उपमा, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। ये देखिए कितना बढ़िया और दानेदार उपमा बना है। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। इसे आप सुबह या शाम के नाश्ते में बनाएं और खाएं। ये साउथ इंडियन नाश्ता बहुत ही कम तेल घी में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। वेजिटेबल उपमा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक छोटा प्याज कटा हुआ, थोड़ा सा शिमला मिर्च कटा हुआ, थोड़ा सा गाजर कटा हुआ, बीन्स इस तरह से छोटे टुकड़ों में कटे हुए, एक छोटी टमाटर कटी हुई, थोड़ा सा हरा मटर और दो हरी मिर्च कटी हुई। साथ ही हमें चाहिए एक कप सूजी। अब सबसे पहले हम एक गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम सूजी डाल देंगे। सूजी को हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। अगर आपकी सूजी अच्छे से नहीं भुनेगी तो उपमा आपका खिला खिला नहीं बनेगा, वो गीली और चिपचिपी हो जाएगी। इसलिए सूजी को हमें अच्छे से हल्का सा सुनहरा होने तक भून लेना है। एक ज़रूरी टिप, सूजी को हमें जल्दी जल्दी फुल फ्लेम पर सुनहरा नहीं करना है, उसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनना है, ताकि सूजी अंदर तक रोस्ट हो जानी चाहिए, तभी उपमा हमारा परफेक्ट बनेगा। अब सूजी से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। ये देखिए सूजी हल्का सुनहरा हो गया है। अब हम इस समय गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम सूजी को किसी अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई को फिर से गैस पर रखेंगे और उसमें एक चम्मच घी या तेल डाल लेंगे। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें राई डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें हम 7-8 कड़ी पत्ते भी डाल देंगे। राई को चटकने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। इसे भी हम 1-2 बार चला लेंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। वैसे ये वेजिटेबल उपमा है, आप चाहें तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं। प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें सारा कटा हुआ वेजिटेबल डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं उपमा को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। और इसमें से जो भी वेजिटेबल आपको पसंद ना हो, उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वेजिटेबल में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ताकि हमारी सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो जाए। और थोड़ा सा नमक हम बाद में डालेंगे। नमक को सारे वेजिटेबल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। इसमें हमने पानी नहीं डाला है। नमक डालने के बाद सारी सब्जियों से खुद ही पानी रिलीज होगा और उसी से हमारा सब्जी अच्छे से कुक हो जाएगा और साथ ही साथ हमारी वेजिटेबल अच्छे से फ्राई भी हो जाएगी। कुछ देर बाद हम ढक्कन हटाएंगे और सब्जियों को अच्छे से चला लेंगे और फिर से इसे हमें ढककर अगले 2 मिनट के लिए पका लेना है। एक बार हम फिर से ढक्कन हटाएंगे और सारी सब्जियों को एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए सब्जियां हमारी लगभग कुक हो चुकी है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ये देखिए गाजर, मटर, सारी सब्जियां लगभग हमारी 70% तक अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें इसमें उसी कप या बर्तन से डालना है जिससे हमने सूजी ली थी। यहाँ पे मैंने इस कप से 1 कप सूजी ली थी, तो हम इसी कप से 2 कप और थोड़ा सा और पानी डालेंगे,
लगभग 2.25 कप हम पानी इसमें डालेंगे। उपमा में पानी का मेजरमेंट परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी उपमा अच्छी बनती है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले डाला था। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें। अब हम इसे ढक देंगे और सारी सब्जियों में एक अच्छी सी उबाल आने देंगे। ये देखिए, मैंने सब्जियों में जो पानी डाला था ये अच्छे से उबल चुकी है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लंप्स ना रह जाए। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ढक देंगे और अगले 2-3 मिनट तक इसे पकने देंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर बिल्कुल कम कर देंगे। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और उपमा को अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे ताकि सूजी और सारे वेजिटेबल अच्छे से कुक हो जाए, और हम इसे फिर से ढक देंगे। फाइनली 2 मिनट के बाद अब हमारा उपमा अच्छे से पक चुका है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया उपमा बना है, बिल्कुल दानेदार। अगर आपकी उपमा अच्छी नहीं बनती है तो आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें, बिल्कुल परफेक्ट उपमा बनेगा। गर्मा गर्मी से नारियल की चटनी, हरी चटनी या अपने पसंद के किसी भी चटनी के साथ सर्व करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपनी कोई भी क्वेरी रेसिपी से रिलेटेड कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।